साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परिणाम आया वह भाजपा के लिए चिंताजनक है। खासकर इसकी नाराजगी गुर्जर समाज में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि राजस्थान में गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में 4 जून के बाद से ही गुर्जर समाज में खासी नाराजगी देखने को मिली है। लगातार जिस तरह से गुर्जर समाज के नेताओं पर जिस तरह से कांग्रेस ने साथ दिया है उसको लेकर भाजपा पर गुर्जर समाज हावी होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पर जिस तरह से जो कार्रवाई हुई उसके बाद राजस्थान में गुर्जर समाज हरकत में आया, और हरकत में आने के बाद से वहां पर गुर्जर समाज के दिग्गज नेताओं ने एक बैठक की, और बैठक में ये तक तय किया गया कि आने वाले समय में गुर्जर समाज राजस्थान की सड़कों पर और खासकर रेल की पटरियों पर उतरकर बड़ा गुर्जर आंदोलन फिर से करने वाला है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और विधायक अशोक चांदना ने भी मंगलवार को हिंडोली में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर थाने का घेराव किया, और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा को एक बड़ी चेतावनी दे डाली। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हिंडोली के नेतृत्व में आयोजित सांकेतिक धरने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक अशोक चांदना ने कहा कि भाजपा की सरकार जब से प्रदेश में आई है तब से प्रदेश में अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसके चलते चोरी, डकैती, लूट, हत्या और नशे के व्यापार जिससे अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। ऐसे में अब पहले पहला गुंजल की ओर से बड़े आंदोलन की चेतावनी भजनलाल को दी गई, तो उसके बाद अशोक चांदना ने भी 5 दिन का अल्टीमेटम भजनलाल सरकार को दे डाला है, जिससे राजस्थान की तस्वीर भी बदल सकती है। क्योंकि गुर्जर समाज ने जिस तरह से गुर्जर आंदोलन में जिस तरह से जो चीज़ें की थी उससे राजस्थान की सियासत में नया भूचाल आया था। अब ये राजस्थान के तमाम वो दिग्गज नेता हैं जिन्हों को गुर्जर समाज में भी काफ़ी माना जाता है। दोनों ही नेताओं को एक तरह से राजस्थान में भगवान के तौर पर माना जाता है। अब ऐसे में भजनलाल शर्मा के पास एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि कैसे ना कैसे इस उठे तूफान को भी रोका जाए। वहीं राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा भी गुर्जर समाज को अपनी ओर करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां 13 जून को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रेरणा कर्नल किरोड़ी बैसला की मूर्ति के अनावरण को लेकर मुनिया गाँव में वो पहुंचे, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया जा चुका है। आज SDM सुनीता मीणा और अन्य अधिकारियों ने भी पेयजल, बिजली, सड़क, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा, और कर्नल किरोड़ी लाल बैसला के बेटे विजय बैसला और अन्य लोगों द्वारा गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटे जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पहुंच सके। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी कार्यक्रम स्थल पर मंगलवार को पहुंचे थे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज गुर्जर नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से गुर्जर समाज में जो नाराजगी देखी जा रही है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके। लगातार राजस्थान के मुखिया भजनलाल सहित कांग्रेस को कैसे ना कैसे पलटवार करते हुए राजस्थान में BJP नजर आ रही है, और गुर्जर समाज को साधने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये कोशिश कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।